फ्रेंड्स, वेलकम टू निशी ब्लॉग। सो भाई, मैंने तो पूजा पाठ कर लिया, नहा धो ली और मैंने ब्रेकफास्ट में आज बनाया है पोहा। क्या हो गया है, मेरी ना दर्द हो रहा है बहुत जोर से, वैसे ही सुंदर हो रहा है और सुंदर हो गया। इसने चार चांद लगा दिए मेरे फेस पर। अब देते हैं पोहा। सो फ्रेंड्स, मेरी आंखें बहुत थक गई हैं और देखो, मैंने ड्राइंग कंप्लीट कर ली है और अब है चाय का टाइम। पता है चाय का वेट कर रहे होंगे, 6:30 बज गए। तो पहले मैं अपनी ड्राइंग दिखाती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। देखो, मैंने ना होली के लिए राधा कृष्ण जी बनाया है। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू, क्या हाल चाल। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। तो कल मैं गया हुआ था अपने कुछ फ्रेंड्स वगैरह के पास। तो वहाँ पे कुछ बातचीत चल रही थी, जैसे अभी करंट सिचुएशन हुई दिल्ली में, ये सब तो चलता रहता है। राजनीतिक पार्टियाँ हैं, सबके अपने अपने कामकाज हैं। कोई लोग कैसे काम करता है, कोई कैसे, लेकिन सही गलत का फैसला वोट करेगा, जनता करेगी कौन सही है कौन गलत। लेकिन वही है कि जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे अपने यार दोस्त हैं, तो थोड़ा सा कुछ फनी सी एक वहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हुई थी। एक हमारे भाई साहब विजीत जी अपने स्टाइल में रिपोर्टिंग कर रहे थे इस करंट सिचुएशन पे, केजरीवाल जी की करंट सिचुएशन पे, और बाकी लोगों से व्यूज़ ले रहे थे। तो मैंने वो कुछ क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी, जो मैं आज के इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगा, डालना चाहता हूँ आपको, कहा जाता हूँ जस्ट फॉर की एक हंसी मजाक सा हुआ था कुछ ऐसा ही, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा वो देख के। और हमारे विजीत जी बहुत टैलेंटेड है, हर एक करेक्टर में ऐसे घुस जाते हैं जैसे वो खुद उसको निभा रहे होना भी चाहिए। ऐसे ही बड़े हंसमुख मिजाज अपने दोस्त हैं, पुराने दोस्त जो हमारे गांव में पहले जॉब करता था, तो मिल लेता हूँ उनसे जाके। तो कल कुछ ऐसी, जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे माहौल पहले से गर्म था, बातचीत चल रही थी, आर्गुमेंट चल रहे थे। तो मैंने उनसे बोल दिया कि मैं अपने ब्लॉग में तुम्हारी कुछ क्लिप डाल देता हूँ, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है तुम्हारा। तो चलो दिखाता हूँ आपको इसी ब्लॉग में। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या ये जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है अभी इस वक्त, और जो कंडीशन क्या ये सर आपको लगता है सर कि हो सकता है, कर सकते हैं सर? देखिए, जैसे ही कैमरा मैंने कैमरा ऑन किया, जो भी बोलने वाले सब चुप बैठ गए। सर होता ही है, सर होता ही है, ये होता है सर, होता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हाँ जी हाँ जी, सच्चाई की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। चोर है वो रहेगा, सच्चाई सामने आएगी। हमने हमारी इतनी दिनों की मेहनत रंग लाई है, और ये सिर्फ अकेले नहीं, बहुत लोग कटघरे में आने वाले हैं, सारी सच्चाई सामने आने वाली है, धीरे धीरे सब आए। तो जनता को मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे ये भाई साहब ने बोला, हमारे पाले वाले भाई साहब ने बोला, बहुत खाते हैं सुनने में, तो इन्होंने बोला है कि आवाज़ जो सच्चाई है, सच्चाई तो आगे आएगी और बिल्कुल आके रहेगी। हम ये बताना चाहेंगे आपको, आके रहेगी ये सच्चाई, किसी अटल सत्य है, सच्चाई हमेशा आगे आई है।
पर फिर भी सर एक बार मैं कुछ कहना चाहूँगा सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ सर, मैं कहना चाहता जी, मैं सबसे पहले तो ये हमारे आदरणीय हमारे बहुत प्रिय दोस्त हैं मिस्टर देविंदर जी। हाँ जी, आप सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्या आप इनके सपोर्ट में बोलना चाहेंगे? नहीं, वो मैं तो हक बात बोलना चाहूंगा सपोर्ट की। हाँ, बिल्कुल। तो मैं सबसे मतलब आपका कोई राजनीतिक नहीं, मेरा कोई राजनीतिक हवाला नहीं, मैं द थर्ड पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ठीक ठीक। अरे ये सच नहीं हो सकता सर, नहीं सर, नहीं आपको आपको ये रिश्ते में है, ये रिश्ते में ये कभी सच नहीं हो सकते भाई। सच्चाई को किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। नहीं, ये जनता को बताना चाहूंगा, जनता को बताना चाहूंगा सच्चाई को किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। प्लीज सर, आपका टाइम दिया जाएगा, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। तो कैमरा मैन इनके तरफ जूम करिए। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे बहुत प्रिय दोस्त हैं ये देविंदर जी। नहीं नहीं सर, सर आप कहीं ना कहीं जनता को बताना चाहूँ, कहीं ना कहीं ये मुद्दे को भटकाया जा रहा है। ये बात इन पे ना आगे जहाँ से शुरू हुई थी, कृपया वहीं से आप प्लीज आपको लगता है। पहले मैं एक बात कुछ कहना चाहूंगा कि जो हमारे बहुत प्रिय दोस्त हैं मिस्टर देविंदर जी, उनको थोड़ा सा ये अपडेट नहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी होनी चाहिए, उसी का पार्ट है ये। तो पहले इनको अपडेट होके आना पड़ेगा, स्टूडियो में आए गए। दूसरा चीज ये है कि जो भी आरोप और लगाए गए अपना पक्ष रखने के लिए उनको बुलाया गया है। अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, देवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा अभी, आपके पास कहीं ना कहीं गड़बड़ी है तो पब्लिक के सामने आएगी। बिल्कुल, तो मैं तो इस चीज से इत्तफाक रखता हूँ कि सामने आ जाए। बिल्कुल सही कहा, सुनने में आया है कि जांच चल रही है। बिल्कुल सही, जांच तो चल रही है, जांच चल रही है, जांच से कोई हम बिल्कुल इत्तफाक करते हैं, जांच चल रही है। बट कहीं ना कहीं हमें भी ये लगता है, चुभता है साला इस भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार का आरोप लगना भी क्यों इन्हीं पे क्यों आरोप लगता जा रहा है? हम आपके पास आएंगे, क्यों इन्हीं पे क्यों आरोप लगाया जा रहा है? क्या ये आरोप इन पे या मुझ में, आप में, हमारे कैमरामैन पे भी लग सकता है जो कि कुछ नहीं बोलते हैं, इन पे भी लग सकता है। पर एक उसी व्यक्ति एक क्या वही व्यक्ति है माल जिसके पास हो उसको तो लगेगा। हाँ तो ये अब ये बोला ये जनता की तरफ से आवाज आई है। हाँ, माल जिसके पास हो उसको लगेगा ना आरोप। तो क्या आप सीधे तौर पर कहेंगे कि हाँ ये आरोपी है 8 लाख के गमन के? फैसला हो जाएगा। उससे पहले हम लेना चाहेंगे कमर्शियल ब्रेक।